हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द अनदर गेम प्ले वीडियो। ठीक है, तो अभी ना हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं एयरपोर्ट को एक्सप्लोर करने के लिए। ठीक है, तो अभी ना हम फटाफट एयरपोर्ट को एक्सप्लोर कर लेते हैं, क्योंकि जो न्यू वाला एयरपोर्ट जो न्यू मैप में आया है, ठीक है, वहाँ पे हम आपको बताने वाले इसमें जो पर्पल रूम होता है, ब्लू रूम होता है और ग्रीन रूम। ठीक है, आए तो थे हम यहाँ पे एयरपोर्ट को एक्सप्लोर करने, बट यहाँ पे क्या हुआ वो आपको आगे आपको पता चलने वाला है। ठीक है, आई थिंक आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा ये वाला वीडियो में। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल हम वीडियो को आगे करते हैं, ठीक है, कंटिन्यू। और ये जो मेरे को यहाँ पे मारने की कोशिश कर रहा है, पहले मैं इसको किल कर लेता हूँ और साथ में मैं यहाँ पर रूम वगैरह सब कुछ करने वाला हूँ। ठीक है, और थोड़ा मैं अपना हेल्थ वगैरह यहाँ पे रिकवर कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने अगले वीडियो में, दो तीन वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं आपको सब कुछ का एक्सप्लोर करके एक एक वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो अभी ना मैं आज एयरपोर्ट का एक्सप्लोर कर देता हूँ और मैं आप सभी को इसमें सब कुछ एक्सप्लोर करने वाला, लाइक जो रूम होता है उसका जनरेटर होता है वो सभी कहाँ कहाँ पर होता है। ठीक है, तो फटाफट इसको मैं एक्सप्लोर करते हैं। जब मैं यहाँ पे आया तो मेरे को यहाँ पे रिपोर्ट वगैरह में तो किसी का नेम ही तो यहाँ पे शो तो नहीं कर रहा था। ठीक है, अभी यहाँ पे देख सकते हो आप भी, रिपोर्ट में कोई भी नहीं है। ठीक, तो सामने जो ब्लू रूम है वही जो है आपका ब्लू रूम है। ठीक है, तो वहीं पर एक बाइक भी लगा हुआ है, तो मेरे को लगा कोई एनिमी आया होगा और टैंक से किल हो गया होगा। ठीक है, तो चलते हैं देख लेते हैं उसमें रूम वगैरह है या नहीं। ठीक है, तो टैंक तो मेरे पर फायर भी कर रहा है और कहीं और भी ये फायर कर रहा है। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ पे कोई आ भी चुका है अभी तक, जो है कि एक थाई बंदा है, तो उससे ना फाइट वगैरह होती है यहाँ पे, तो वो आप फाइट देखना। ठीक है, तो अभी आप देखना यहाँ पे क्या क्या, कितने बार मैं यहाँ पे किल होता हूँ और कितने बार यहाँ पे दोबारा लौट के आता हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे थोड़ा वेट कर लेता हूँ, रिपोर्ट को मैं यहाँ पे दोबारा चेक करता हूँ, तो अभी देख सकते हो उसका नेम भी यहाँ पे शो कर चुका है। ठीक है, तो अभी ये जो है वो उधर के साइड जो वेयर हाउस है उधर के साइड टैंक का फायर कर रहा है, तो इसका मतलब कि उधर के साइड कोई आ चुका है। ठीक है, अभी देख सकते हो वो इधर आ भी चुका है, तो ये रहा। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये इसको तो मैंने जैसे तैसे इसको किल तो कर दिया, बट यहाँ पे मैं भी किल हो जाता हूँ, क्योंकि जो एक होता है जो जब ये लॉन्चर जब छोड़ता है रॉकेट, तो ये पर्टिकुलर एक जगह हो जाता है जहाँ पे जो रॉकेट को निकलने का कोई जगह तो है नहीं, तो अगर वो छोड़ेगा तो बीच में हम ही दोनों को ही लगेगा ना, तो वो भी साथ में किल हो जाता है, मैं भी यहाँ पर साथ में किल हो जाता हूँ। ठीक है, तो ऑलरेडी मैं सोचता हूँ कि अपना जो लूट होता है मैं उसको ना यहीं कहीं अच्छे से जगह यहाँ पे सेल्फिश करता हूँ, ताकि जो लूट है मेरा सेफ रहे, क्योंकि मेरे पास ना स्टील का आर्मर मिला था जो कि मैं क्रूड ऑयल में अपना एक रूम करके आया था। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सेल्फिश करता हूँ और मेरा किस्मत आई थिंक मैं यहाँ पे ना इसके जस्ट पास में रैंडम स्पॉन हो जाता हूँ। ठीक है, वहाँ से मैं फटाफट भाग के आता हूँ बिना मास्क के, आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे को इसका जो रेडिएशन है वो भी मेरे को यहाँ पे पड़ रहा है। ठीक है, तो हाई होता जा रहा है रेडिएशन, अभी आप देखना यहाँ पर अभी क्या होने वाला है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे दोबारा आता हूँ, अभी देख रहे हो रेडिएशन भी मेरा बढ़ रहा है, जिससे मेरा जो हेल्थ है वो काफ़ी तेज़ी से कम भी हो रहा है फटाफट, जो कि चल के ना पहले जो एनिमी जो यहाँ पे किल हुआ था उसका गन और वो मास्क उठा लेते हैं अगर वो आएगा तो उसको, ताकि गन ना मिल पाए। ठीक है, तो अभी हम उसका गन तो ले लिए और उसका मास्क भी उठा लेते हैं। जैसे ही मास्क को हम यहाँ पर उठाते उसके बाद वो आ जाता है, अभी उसका फुटप्रिंट भी आपको दिख गया होगा। ठीक है, तो फटाफट इसको उठाते हैं और इसको किल कर देते हैं। इसके बाद चलते हैं सीधा अपना जो लूट है, जो कि मैंने पेड़ के पीछे जो सेल्फिश किया था वहाँ पर जाके मैं अपना सारा लूट रिसीव कर लेता हूँ, जो कि आर्मर हो गया। और सबसे पहले अब तो हेल्थ वगैरह लगाएंगे, क्योंकि मेरा जो हेल्थ है वो काफ़ी कम हो चुका, क्योंकि वो दोबारा आने वाला है। ठीक है, तो अभी मैं अपना फटाफट एक सिरिंज उठा लेता हूँ, उसके बाद पहले यहाँ पे हेल्थ अपना रिकवर कर लेते हैं, उसके बाद आर्मर वगैरह उठाएं। तब तक जो टैंक है वो दूसरे साइड चला जाएगा, जिसकी वजह से हमको थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि अभी पेड़ तो यहाँ से उठाना ना काफ़ी वो रिस्क होता है, अगर
यहाँ पे अगर वो बुलेट अगर छोड़ेगा तो यहाँ पे जो पेड़ है जल्दी से टूट जाता है, ठीक है। तो अपना फटाफट यहाँ पे सारा लूट यहाँ पे उठाते हैं और फिर अपना जो ब्लू रूम है इसको यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, पहले ब्लू रूम को, ठीक है। तो इसका जो जनरेटर होता है वो जो तीन जो आपको टेंट हाउस जो आपको दिख रहा है जो कि साइड में है, तो हाँ वहाँ पर जाना होगा तो आपको थोड़ा बच के जाना होगा क्योंकि वहाँ पर जो गार्ड वगैरह हैं तो वो काफ़ी लगे हुए होते हैं, ठीक है। तो उनको किल करते हुए तो जाऊंगा, लेकिन मेरे को थोड़ा वो डैमेज भी दे देते हैं, ठीक है। तो इसे बचने के लिए मेरे को साइडों से जाना पड़ेगा, नहीं तो मैं फिर से यहाँ पे दोबारा हुआ किल ना तो फिर आने में थोड़ा मुश्किल होगा, ठीक है। पता नहीं इस बार कहाँ पे स्पॉन होगा, क्या क्या पता, ठीक है। तो फटाफट ना वो भी जो अपना गार्ड पड़ा हुआ है उसको भी उठा लेते हैं, जो फालतू चीज़ उसको यहाँ पर गिरा देते हैं। जब मैं इस गार्ड को जब एक दो गोली जब हिट करता हूँ तो ये मेरे को बार बार ये अपने फार्मर से मेरे को हिट करने लगता है, ठीक है। इसकी वजह से मेरे को ना दूसरे साइडों से घूम के जाना पड़ता है, तो फिर भी ये मेरे को किल कर रहा था, ठीक है। आप देख सकते हो इसने कितना ज़्यादा इसने डैमेज दे दिया मेरे को ऑलरेडी। तो मैं काम करता हूँ इसको ना थोड़ा शांत होने देते हैं, फिर मैं दोबारा जाता हूँ। अभी देख रहा हूँ सिप भी आ चुका है, क्योंकि सिप जब इस न्यू वाले मैप में आता तो सिप जो है वो एक ही साइड आता है बार बार, आपका आपने नोटिस किया होगा, क्योंकि उधर के साइड ही सिप आता है केवल और इधर साइड कभी नहीं आता है, ठीक है। तो अभी इसमें देखते हैं, अभी तो लूट वगैरह तो थी लेकिन पर्पल कार्ड तो नहीं पता है या नहीं, ठीक है। तो पहले चल के इसको रूम कम्प्लीट कर लेते हैं यहाँ पर। ये देख सकते हो इसका जो जनरेटर है, ये जो तीन जो टेंट जो लगा हुआ था इस तीनों के अंदर नहीं है बल्कि इधर जो फर्स्ट वाला है इसमें है, ठीक है। तो इसमें हम फटाफट 40 वायर डाल देते हैं, ठीक है। इसके बाद चल के अपना रूम कम अभी ना मैं रिपोर्ट वगैरह चेक करता रहूँगा दिन बार बार, क्योंकि वो फिर से आएगा तो फिर हो सकता है कि फाइट हो, ठीक है। तो अभी यहाँ पर 40 रेजिस्टेंस डाल के चलता हूँ, यहाँ दोबारा रूम कर लेता हूँ यहाँ पर। अभी मेरे को यहाँ पे पर्पल कार्ड भी मिल चुका, क्योंकि मेरे पास पर्पल कार्ड तो है नहीं, ठीक है। तो जो भी यहाँ पे एक ब्लू कार्ड है तो ब्लू कार्ड को मैं यहाँ पे डिस्कार्ड करने वाला हूँ, क्योंकि जो ब्लू कार्ड है हम लोग के पास बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि मेरे बेस पे ना काफ़ी 20 से 25 ब्लू कार्ड पड़े होंगे, ठीक है। जो पर्पल कार्ड है वही जल्दी नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पार्ट को उठा लेते हैं और यहाँ से फटाफट निकलते हैं, क्योंकि सारे बॉक्स को तोड़ना ना टाइम नहीं है अभी, क्योंकि जो है वो भी फिर दोबारा आएगा। तो फिर इसके वजह से यहाँ पे बाइक है तो बाइक तो लेकर के जाएंगे नहीं, क्योंकि उसको ना अपने बेस का लोकेशन आपको पता चल जाता है, क्योंकि अगर उसका बाइक होगा तो उसका लोकेशन आपको मिल जाएगा उसका कि हम किस साइड से जा रहे हैं, उधर से ही जाके कैंप करने लग जाएगा, ठीक है। तो अभी चल के ना यहाँ पर पर्पल रूम होता है, जो कि पर्पल रूम को भी हम लोग यहाँ पर कम्प्लीट कर लेते हैं, और इसका रूम और इसका जनरेटर कहाँ होता है वो भी आपको इसमें पता चल जाएगा। पर्पल रूम में तो लूट तो है लेकिन जनरेटर इसका कहाँ पे, मैं भी इसका जनरेटर भूल चुका हूँ, ठीक है। तो आई थिंक इसका जनरेटर ना वहाँ पे इधर के साइड में एक बार और किया था इस यहाँ पे रूम, तो अभी ना मैं वो जनरेटर भूल चुका हूँ। सामने देख सकते हो वो जो क्या बोलते हैं डिसमेल्टर, तो वो सामने ही है, ठीक है। तो अभी यहाँ से आप डिसमेल्ट कोई भी सामान यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। तो साइडों में चल रहे थे क्योंकि उसका नेम भी उसका फिर से शो कर चुका है, और आई थिंक वो इस बार ये SMG लेके आता है, ठीक है। तो SMG
आई थिंक क्लोज रेंज में फिर भी अच्छा है, लेकिन आपको अगर उसका 30 बुलेट अगर लग जाता है तो आप वहाँ पर किल होने वाले हो, क्योंकि एक बुलेट का 29 या 19 का डैमेज आता है, जो कि आप देख सकते हो ये बोन का आर्मर पहन के है। तो इसको मैं यहाँ पे पहले किल कर देता हूँ। किल करने के बाद ना मैं आपको क्या बताऊँ, मैं फिर यहाँ पे दोबारा किल होने वाला हूँ, ठीक है, वो भी टैंक से। तो अभी ना मैं अपना है यहाँ पे हेल्थ वगैरह सब कुछ यहाँ पे रिकवर कर लेता हूँ, क्योंकि इसने मेरे को थोड़ा बहुत डैमेज दे दिया। तो ये भी देख सकते हो इसने SMG लेके आया है और बोन का आर्मर, ठीक है। तो आई थिंक इसका जो बेस है तो वो पास में ही है, ठीक है। तो ये रहा जो कि मैं भूल चुका था, तो ये रहा इसका जनरेटर, जहाँ पर मैं 83 वायर जो और पूरा जो है वायर मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। यही मैं गलती कर देता हूँ, ठीक है, पूरा वायर डाल करके जब भी मैं इधर जाता हूँ, आई थिंक जो मेरा नेट है, नेट थोड़ा सा इशू कर जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा केवल लैग होता है, उसके बाद मेरे को टैंक का एक सेल है वो मेरे को लग जाता है। इसकी वजह से मैं यहाँ पे दोबारा यहाँ पे नॉक हो जाता हूँ। और जो मैं यहाँ पे जो मैं मेरा जो लूट है, सबसे पहले इसको सेव करने के लिए मैं धीरे धीरे ना इधर के साइड आ जाता हूँ, जो रूम का जो पीछे है, तो इधर के साइड मैं अपना पहले पर्पल कार्ड को यहाँ पे ड्रॉप कर दूंगा, क्योंकि पर्पल कार्ड मेरे लिए रेयर हो जाता है। इसके लिए मैं यहाँ पे अपना ना पर्पल कार्ड को यहाँ पे डिस्कार्ड करके इधर कहीं अपना सेल्फिश कर लेता हूँ पीछे साइड में, क्योंकि मैं अगर दोबारा आता हूँ तो मेरे को आई थिंक पर्पल कार्ड मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सेल्फिश कर लेता हूँ, लेकिन इस बार मैं काफ़ी दूर स्पॉन हुआ था। उसके बाद मेरे को यहाँ पे आने पे काफ़ी टाइम लग चुका था, जो कि मैं यहाँ पे रोड से आ रहा था तो मेरे को रास्ते में मास्क मिल गया था, जो कि काफ़ी सही था। और मैं ना थोड़ा बहुत फ्यूल अपने ग्लाइडर में डाल लिया था, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे थोड़ा से जल्दी यहाँ पे पहुँच चुका हूँ, ठीक है। अभी तक वो तो नहीं आया, लेकिन वो फिर से दोबारा आएगा, क्योंकि ना कि आई थिंक उसका जो बेस है तो वो बेस जो जस्ट पास में ही है उसका। अभी आप देख सको उसका नेम वगैरह कुछ नहीं शो कर रहा है। तो जैसे मैं अपना लूट वगैरह उठा लेता हूँ, उसके बाद जैसे ही हील वगैरह करके रूम को चेक करता हूँ, तो रूम तो है लेकिन वहाँ का जो वायर है, वायर मेरे पास है नहीं। लेकिन मैं यहाँ पे वायर में यहाँ पे काफ़ी ढूंढता हूँ, सप्लाई चेस्ट वगैरह डिस्ट्रॉय करता हूँ, लेकिन मेरे को वायर नहीं मिलता है। इसकी वजह से मैं अपने सीधा अपने बेस पर चला जाता हूँ, जो कि काफ़ी सही जो लूट हो जाता है। तो मैं सोचता हूँ कि अपने बेस पे चला जाता हूँ, जो कि मैं सोचा था इसको एक्सप्लोर करूँगा, लेकिन जब भी मैं एक्सप्लोर करने आता हूँ एयरपोर्ट के साइड, तभी यहाँ पे कोई ना कोई मेरे को यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये वाला वीडियो आपको ज़रूर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप हमारे चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अभी ना मैं यहाँ पे अपना जो पूरा जो लूट होता है मैं उसको यहाँ पे कलेक्ट कर चुका, और ये रहा मेरा जो पर्पल कार्ड, जो कि मेरे को यहाँ पे आते हुए काफ़ी समय हो चुका है, क्योंकि जनरेटर में जो 83 वायर डाला था उसके लिए 8 मिनट टाइम था, जो कि यहाँ पे काफ़ी समय हो जाता है। आते आते मेरे को आई थिंक 9 मिनट हो जाते हैं, जिसकी वजह से वायर तो ख़त्म हो चुका था, लेकिन जो लूट था वो थोड़ी देर में डिस्पॉन भी हो जाता। और मैं यहाँ पे गार्ड को मारता हूँ, ये भी मेरे को थोड़ा सा हिट दे देता, अभी देख सकते हो इसको भी मारते हुए मैं इधर से चला जाता हूँ, ठीक है। जब मैं दोबारा रिपोर्ट चेक करता हूँ तो मेरे को फिर से उसका नेम शो कर जाता है। इसकी वजह से मैं सोचता हूँ कि इधर से निकल नहीं जाता हूँ, क्योंकि ये बार बार आता रहेगा, ऐसी फाइट होता रहेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।